हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है एम डी रेहान और आज जो फुकरे इंसान ने जो देख रहा है मीम्स, उसको हम भी देखते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं। चले देखते हैं। भाई को आप शादी किससे करिए, सलमान सर से या रणबीर कपूर से? रणबीर रणबीर कपूर है। आपसे शादी करूंगी। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, द बॉय हैड नो हेजिटेशन, सीधा पूछ लिया सुमान जी से, किएगा या रणबीर कपूर से? रणबीर कपूर वहाँ बैठा हुआ सोच रहा है मैं तो नहीं करूंगा, मैंने तो आलिया सेट कर रख लिया। भाई जब मजाक झिलता नहीं है ना तो मजाक करा भी मत कर। ऐसा मजाक तेरे बाप ने किया था क्या? भाई कैसे उदास बैठा है, क्या हो गया? कुछ नहीं भाई, बस नानी सीरियस है। इस उम्र में किसके साथ? सारा गुस्सा पजामे जो है जो हम खरीदते हैं जी, और बाकी सब हम बोरो करते हैं और फिर वापस कर देते हैं अगले दिन। ये भी आप शो जल्दी खत्म कर दो क्योंकि हमें ये आधे घंटे में वापस करने हैं। ऐसे कैसे, मतलब आधे घंटे में तो यहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे, शो तो फिर शुरू होगा। कोर्ट के बाहर सारे दोस्तों का मीटअप हो गया। ये सब क्या कर रहा है भाई? सुकून है। अच्छा समझा मैं, थोड़ा लेटर कोर्ट के बाहर सबका मीटअप हो गया तो सबका डाइवोर्स हो चुका है ना, दिनेश चन्नी, हार्दिक भाई और शिखर धवन। ओ माय गॉड, मेक श्योर गाइस जितने भी लोग फेमस हो रहे हैं, क्रिकेटर बन रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी अपनी मम्मी पापा के नाम रखो, अपने नाम नहीं, नहीं तो शादी के बाद 70% देनी पड़ जाएगी। हाँ भाई, किसको वोट दिया? अबे यार किस तरह नाम लूं जिसे बुरा ना लग जाए। वैसे शक्ल से तो बीजेपी का लग रहा है, पर इसने तो मेरे कंधे पे हाथ रखा है। हाथ कौन जी? अबे यार ये तो दिल्ली में रहता है, आम आदमी सपोर्टर तो नहीं है? हाँ भाई बताओ। आम भारतीय कांग्रेस। भाई ने सारी पार्टियां मिक्स कर दी यार, आम भारतीय कांग्रेस 70% प्रॉपर्टी मांग रही थी। मैं जो सारी प्रॉपर्टी अपनी मम्मी के नाम कर चुका हूँ। वाओ, द ओनली मास्टरमाइंड हार्दिक पांड्या। भाई भी लाइक एक ही डिसीजन तो सही लिया है लाइफ में। बात है कि सारा गलत है भाई, बिल्कुल पता नहीं था। मैं तो समझा था कि फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, उनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था कि मेरे को अगले दिन जब मैं नागपुर वापस आया, अगले दिन पता चला कि डॉली तूने किसको चाय पिलाया। डॉली तू किसको चाय पिलाया, ऐसा चाय पिलाया तेरा तो जिंदगी बदल गया। अब तू भाई रॉयल्स रॉयल्स में बैठता है, जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स या धमधम करता है, भाई तेरी जिंदगी तो मस्त है डॉली भाई। देखो शूटिंग देखने का है ना, तुझे देखने का, काम करने का है, एक्टिंग करने का है। ऐसा के चेंज हर लाइफ, शी चोज एक्टिंग। वास्तव में यार सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा बेटा, सड़क से, और एक्चुअल ट्रू हो गया। ऐसा सही में नहीं है भाई, तुम सोच रहे हो SNH वी हैव लेडी लक, ये क्या भी लाइक KKR became one of the most dominant team इस IPL history में। मतलब भाई finals में 113 पे all out करके जीतना भी तो भाई बहुत बड़ी बात है यार, very good यार। यार मेरे पड़ोस वाली आंटी ना अपने बच्चे को बेलन से मारती रहती है, तो मैंने उनसे कहा आंटी बेलन से मत मारो यार, बच्चा है वो, अच्छी बात नहीं है, बच्चे ढीठ हो जाते हैं, कम से कम बाहर तो आने दो उसे। क्या हटाओ भाई, next प्लीज। भैया आपको दिख नहीं रही, एक महिला खड़ी है, उठ नहीं सकते, आपकी मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया क्या? भूषण क्लैन यार क्या करते हो फुकरे भाई? ये कर लो पहले। सुनो सुनो, तुम्हें खाना बनाना आता है? क्यों? मेरी मॉम को मेरे लिए खाना बनाने वाला लड़का चाहिए। थोड़ा बहुत आता है, चाय वगैरह तो तुम सीख लोगे ना मेरे लिए? सीख लूंगा, ऐसा कुछ नहीं, खाना बनाना घर का काम, लेकिन देश में इंट्रोवर्ट लगेगी, बोल देना अपनी मम्मी। अगर रेंज रोवर मिलेगी तो ठीक है, हम भी बनाना सीख लेंगे खाना, क्या दिक्कत क्या दिक्कत है भाई? मैन आर सो सिंपल।
एक गाड़ी या फिर PS5 के लिए जो बोलोगे वो कर लेते यार। जेठालाल thinks that no one can scam him. मुझे आपसे 2000 रुपए उधार चाहिए। अरे सॉरी नटो काका, अभी मेरे पास 1000 ही है। ठीक है सर जी, तो अभी मेरा 1000 रुपए आपसे उधार ला। अरे मैंने आपको 1000 दिया था, आपका मेरे ऊपर 1000 हो जाएगा। सर जी मैंने आपसे कितने मांगे थे? 2000। आपने मुझे कितने दिए? 1000। हाँ तो मेरा 1000 आपसे उधार रहा। बात है बात की भाई। देखो मैंने आपको 1000 दिया तो आपका मेरे ऊपर 1000 रुपया उधार। समझ गया सर जी, मेरा आपसे 1000 उधार, आपका मेरे पे 1000 उधार। ये मैथ तो भाई वही समझा सकते हैं। अभी किसी का किसी से कुछ लेना देना नहीं। आप हिसाब बराबर। जय हिंद। नट्टू का ओपी इन द चैट बॉयज। कल जब हम दोनों मिले थे ना, तब तुमने मेरा कुछ चुरा लिया। यार सॉरी, मैं तुम्हारा वो 500 वापस कर दूंगी, पता नहीं कैसे मेरे पास आ गया था। ब्रो ने लिखा हुआ था कि एक ही तो दिल था, वो भी चुरा लिया, पर भाई पता चला वो तो सच्ची चोर निकली, 500 रुपए लेके भाग गई यार। भाई जब तक उम्र नहीं थी हमारी वोट देने की, तब तक तो खुले हम सब चल रहा था, दारू की पेटियां बट रही थी, पैसे बट रहे थे। अब वोट देने की उम्र हुई है तो अब सारे ईमानदार हो गए हैं, अब कुछ नहीं बट रहा। भाई बंदा 100 रुपए ही दे देता है, पहले तो 500 रुपए बट रहे थे। अच्छी बात है ना भाई, ईमानदार हो गए सब। बुला लेते यहाँ पर आकर मार के हाथ कर बात कराओ। मैं हर उस लड़की को मारने के लिए तैयार हूँ जो मेरे सामने मेरी माँ को गाली देती। भाई विवेक ये ले, मेरी शादी का कार्ड है, परसों मेरी शादी है, तुझे आना है ठीक है? बिल्कुल यार। क्या हुआ, उदास लग रहा है? हाँ यार, बहन की शादी है और लड़कों वालों ने 2 लाख रुपए मांगे। 2 लाख? बस इतना था ना भाई, रुक जा अभी अरेंज करके देता हूँ। हेलो, हाँ मामा जी, हाँ वो लड़की वालों को बोलिए दहेज देते वक्त 2 लाख बढ़ा के दीजिए। हाँ ठीक है, हो जाएगा भाई, हो जाएगा। साला दहेजखोर। फाइट फॉर दहेज विद दहेज। भाई ने दोस्त की मदद करने के लिए जिसको दहेज में पैसे देने थे दहेज अपना बढ़वा लिया। व्हाट द हेल मैन, दहेज पैरेलल यूनिवर्स हो गया ये। नॉट गुड। Until and unless it's Range Rover. When you win IPL as a captain, but you aren't going for T20 World Cup. ये क्या मतलब है? मैं IPL जीते लाए, मुझे नहीं लेके जा रहे। ये क्या है क्या? इस बार तो तुमने हद कर दी। क्या हुआ सर? तुम्हें मालूम है मिस परेरा तुम्हारी वजह से 8 महीने की छुट्टी पर चली गई है। ये क्या फैमिली शो है? 8 महीने की छुट्टी पे क्यों? 9 महीने की करते हैं छुट्टी बिटिया, ये क्या कह रहा है? What do you think is your love? My love language, I would say it's मम्मी आपको पता है मदर टंग को फादर टंग क्यों नहीं बोलते? नहीं पता तुम बताओ। क्योंकि मम्मी कभी पापा को बोलने नहीं देती ना। June 6 डिलीटेड सीन्स, मोदी जी भी लगे। भाई मजाक से हटके, ये पहला इलेक्शन था जहाँ पर जो पार्टी जीती उसको लग रहा है कि वो पार्टी वैसे नहीं जीती जैसे जीतना चाहिए था, जो पार्टी हारी उसको लग रहा है कि भाई हम हार के भी जीत गए। इस इलेक्शन वाज मोर इंटरेस्टिंग देन द IPL। भाई सामने खा रहा है जिसने भेलपूरी बनाई अपने हाथों से, वो जिसके हाथ थे उसके हाथ है कहाँ वो देखिए। भाई आशी भी क्वालिफाई हुई तो थी और हमने भी ऐसे ही सेलिब्रेट किया था यार, तुम नहीं समझोगे यार, सेम सेलिब्रेशन हमारी थी भाई, हम भी ऐसे भाभी जी भी इतनी खुश थी भाई, तुम नहीं समझोगे यार कितना ज्यादा इमोशनल मोमेंट था। जो लोग सोच रहे थे कि कभी क्वालिफाई नहीं करेंगे, 6 में 6 मैच जीत के क्वालिफाई कर गए भाई, 6 में से 6 अनुष्का भाभी भी कर रही थी। अच्छा मैं समझा भाई, अब भाभी बोल रहे हो। बट ऐसा क्यों किया तुमने? RCB राजस्थान से हार गए यार, बहुत बुरा लगा। अनन्या पांडे प्रेइंग आफ्टर ईच रन फॉर KKR, प्रेइंग फॉर ईच रन व्हेन द स्ट्रगल टारगेट इज 114, अनदर इंटेंस स्ट्रगल।
लाइन प्राग का है, प्राग का है, प्राग को बुलाओ। कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है तो मेहनत करो, मेहनत मेरा मुंह बता को तुम समझे? काय का मेहनत, पैसे तो मैं यू बनाऊंगा शॉर्टकट तरीके से, शॉर्टकट तरीके से जा रहे हैं। हर इंसान को यही लगता है एक स्किल सीखने के बाद कि अब तो भाई मैं करोड़पति बन जाऊंगा, पर ऐसा नहीं होता यार। भाई इस इंसान ने ना ठेका ले रखा हम सबको गरीब साबित करने का। ये क्या क्या है, ये घड़ी है, ये टाइम चेंज करती है, ये टाइम बदलती है। ये देख लो हमारे वक्त नहीं बदल रहे हैं, गुरु जी के वक्त पे वक्त बदलते चले जा रहे हैं। पहले चांद और मार्स था, अब ये क्या क्या है, क्या ये इसमें क्या है? ये बोलते कुछ और याद आए। भाई गुरु जी के पास इतना पैसा कहाँ लेके जाओगे गुरु जी? ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो।